वेलकम बैक गाइस इन माय चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मुझे जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें आप लोगों ने काफी कमेंट किए और मुझे पूछा कि मैं कैसे दिल्ली से कोटद्वारा आया। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप दिल्ली से कोटद्वारा कहीं भी कैसे भी आ सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपका पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। आपको जरूरत नहीं है कि आपका ई पास हो, आपके पास जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आपके पास ई पास हो। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर को ही दिखा सकते हैं जो यहाँ पर क्वारंटीन होने वाला सेंटर है, वहाँ पर जो जहाँ पर चेकिंग हो रही है। तो क्या हुआ था कि मैं आया था 14 को दिल्ली से कोटद्वार। तो दिल्ली से कोटद्वार जब मैं आया था तो मेरे पास सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन नंबर था, बस और कुछ नहीं था। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके हैं तो इनफ है, ठीक है। तो उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या प्रेग्नेंट लेडी है तो आपको क्या होगा, 7 दिन का क्वारंटीन बाहर नहीं रखेंगे। आपको 7 दिन का क्वारंटीन बाहर नहीं रखेंगे, आपको सीधा घर भेज देंगे और आपको 14 दिन के लिए घर में क्वारंटीन होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप अकेले हैं या फिर आपके साथ बच्चे नहीं हैं या आपके साथ कोई बुजुर्ग नहीं है तो आपको 7 दिन का क्वारंटीन, या तो आप अपने खुद के पैसे से होटल में रह सकते हैं या फिर आप कोटद्वार में 2-3 जगह है जो इन्होंने निर्धारित कही है, आप वहां रह सकते हैं। तो मेरा क्या था, मेरा 14 दिन का क्वारंटीन था, ठीक है। तो फिर मैं घर आ गया था, मेरे पे स्टैम्प लगी थी, आप पे एक स्टैम्प लगती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। बस हाँ, थोड़ा ना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, जब भी आप कोटद्वार में आए तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा काफ़ी, क्योंकि वहाँ मुझे नहीं लगा कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा था, ठीक है। तो उसके बाद मैं 14 दिन के लिए क्वारंटीन हो गया। तो नेक्स्ट डे मेरे घर में 2 से 3 लोग आते हैं, वो लोग एक रेड कलर का पर्चा जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखा दूंगा वो आकर चिपका जाते हैं। तो उस पर्चे में मेरा 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड लिखा हुआ है, तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको वो पर्चा भी दिखा दूंगा। तो उसके बाद से आज मेरे को करीबन मेरे को आज 14 दिन होने वाले हैं, और 14 दिन होने वाले हैं तो मेरे को डेली कॉल आता है वहाँ से कि आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हो। तो आपको ये प्रोसीजर के थ्रू गुजरना होगा, जाना होगा। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि तो या तो पीछे लोगों की ड्यूटी लगी हुई है या फिर किसी की भी लगी हुई है, तो वो लोग आपके घर पे ये पर्चा लगा जाते हैं और इस पर्चे में साफ लिखा है नोबल कोरोना वायरस संक्रमित COVID-19 इस आवासीय परिसर को सुरक्षा की दृष्टि से 15 से 27 तक होम क्वारंटीन किया गया है। कृपया इस अवधि में इस घर के सदस्य घर पर ही रहें तथा बाहरी व्यक्तियों से ना मिलें। तो ये जिला अधिकारी का, जनपद जिला अधिकारी का ये। तो जैसा कि आपने देखा कि जिला अधिकारी द्वारा एक निर्देश दिया गया है तो जिसको हमें फॉलो करना है। तो बस आज के वीडियो में गाइस इतना ही। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।